Silence. That was 9th March, my 45th birthday. And I've never experienced that. I never felt so special on any of my previous birthday. Baba ji ka wahan pe hona aur jo main kehne jo gaya tha aur jo bola haqeeqat mein bilkul alag tha. Matlab wo everything changed in that moment of that presence. Hum gaye the wahan pe namdari sant samaj ka karib 1.5 lakh log wahan pe the. And the moment Baba ji entered, everything changed. मतलब जो हमने कहा it was all. अगर आप दोबारा माइक रख दें सामने हो सकता है कि हम दोहरा भी कर सकें. Because it's that moment. और फिर जब हम वहाँ पे शुक्रिया करके गए थे, it was totally unexpected कि हाँ Baba ji just came. उन्होंने हाथ पकड़ के गले से that really it was a hug which I felt after a very very long time, almost after 2006 when I lost my father. I was 22 that time. जो दस्तार बंदी हुई हमारे मुर्शिद उस वक्त थे वो बड़ा एक कहल मैंने कहा इसमें बड़ी आजमाइश होती है बाहर से बड़ा अच्छा लगता है लेकिन द मोमेंट यू स्टेप इन इट्स इफ यू आर अ माउंटेन यू विल बी क्रश्ड सो मच कि यू विल बिकम अ जर्रा. अगर एक पहाड़ है तो इतनी आजमाइशें होती हैं राह इश्क में इश्क के हकीकी में कि आप जर्रा बन जाएंगे इवन देन द क्रशिंग विल कंटिन्यू. How I came, मैं जब मुझे ये खबर मिली मैं आई वॉज नॉट इन इंडिया किस तरह मैं आया किस तरह फ्लाइट ली मुझे कोई होश नहीं था. 3 दिन तक आई वॉज इन द स्टेट ऑफ नमनेस. आई कुड इवन अटेंड द लास्ट राइट ऑफ माई फादर बिकॉज वो फरवरी का वक्त था और जो फ्लाइट हमारी दिल्ली लैंड हुई थी वो डाइवर्ट होकर बॉम्बे आ गई 10-12 घंटे और चले गए. आकिब भाई जी आर इज द वन रिसीव मी एट द एयरपोर्ट व्हेन आई हैड कम इन दैट स्टेट ऑफ बींग इन नमनेस. 3 दिन तक मुझे कोई होश नहीं था. 3 दिन दरबार पे सेरेमनी जिसको पगड़ी रस्म कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया दस्तारबंदी जो होती है सेम की फाता उसको कहते हैं ऑल द एल्डर्स कम और जिससे बड़े होते हैं तो व्हाइट कलर की दस्तार बांधी जाती है. उस वक्त तक कोई होश नहीं था. हमारे मुर्शिद थे जब हम वहां कदम उसी करने गए दरबार में फारूक भाई तो उस वक्त उन्होंने सर पे हाथ रखे जो राजस्थानी डायलैक्ट में कहते हैं कि गरीब नवाज माई बाप दैट योर स्पिरिचुअल मदर एंड फादर इज राजस्थान हिमसेल्फ योर स्पिरिचुअल गाइड तो डोंट लूज होप मतलब कम बैक टू योर सेंसेस. उस वक्त मुझे होश आया दस्तारबंदी हुई माई हेड वॉज जस्ट एट द फीट ऑफ फादर गरीब नवाज जब मुर्शिद ने उन्होंने ये कहा तो दैट टाइम आई मेड अ कमिटमेंट टू ख्वाजा साहब कि आई हैव कम इन अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस एंड इट वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी. और आप लोग सब बशऊर लोग आई हार्डली शेयर दिस मोमेंट क्योंकि हमारे फारूक भाई यहां पे हैं और आप लोग एक मुर्शिद से जुड़े हैं तो आप लोग इस इंटेंसिटी को समझ सकते हैं. एंड आई सेड साइलेंटली आई मेड अ कमिटमेंट टू ख्वाजा साहब कि आपने जिस मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त घर का राशन कहां से आता है दहेज के बिल कैसे जमा होता है बाहर तो पढ़ाई के सिलसिले में कभी जिम्मेदारियां दी नहीं थी वाले साहब ने